सबसे पहले आप सभी दोस्तों के लिए हमारे इस छोटे से फैमिली ज्ञान जी की अकेडमी की ओर से 75वीं स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयां हैं। तो दोस्तों, साथ ही साथ हमारे इस छोटे से फैमिली ज्ञान जी की अकेडमी को एक साल हो गया है, मतलब आज हमारा इस चैनल का हैप्पी बर्थडे है ना। तो सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और जो आने वाले नए दोस्त हैं, नए सदस्य हैं, उनके लिए वेलकम और बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। तो आज हम इस वीडियो में 75वें स्वतंत्रता दिवस की अवसर पर कुछ भारत के बारे में नॉर्मल सी जानकारी प्राप्त करेंगे और वीडियो अच्छा भी लगेगा आपको, पूरा देखिएगा नॉर्मल। हाँ, एक बात और कहना चाहता हूँ, मैं कोई VIP नहीं हूँ और ना ही कोई बड़ा यूट्यूबर हूँ जो आप मुझे सुनना पसंद करोगे, लेकिन फिर भी आपका छोटा भाई होने के नाते और आपका दोस्त होने के नाते इतना तो बनता है कि मैं अपने भावनाओं को आपके साथ शेयर कर सकता हूँ और आप ज़रूर उसको पसंद करना चाहोगे। तो सबसे पहले तो यार हमें गर्व होना चाहिए हमारे खुद पर कि हम इस भारत में, ऐसे देश में हमने जन्म लिया है जहाँ भगवान श्री राम, श्री कृष्ण जैसे भगवान स्वयं भगवान ने अवतार लिया है और ऐसे महान हमारे नेता, हमारे पूर्वज जो जिसने देश को आज़ाद करवाया, देश के लिए सारा जीवन व्यतीत कर दिया, ऐसे महान लोगों के देश में हमें जन्म मिला है। चलिए, कुछ ज़्यादा न कहते हुए अपनी दूसरी तरफ बढ़ते हैं, मतलब देश के बारे में कुछ जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो भाई मैं आपको एक बात बोल दूँ, आप कमेंट में मुझे सर कहकर बुलाते हो, भाई इतनी बड़ी उपाधि मत दो मुझे, मैं कोई सर नहीं हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ, मैं आप ही के जैसा हूँ, एक स्टूडेंट हूँ, स्टडी करता हूँ, उसके साथ साथ मुझे नए नए दोस्त बनाने की आदत है और अच्छे लगते हैं, सभी दोस्तों से मिलजुल कर रहना चाहिए, इसीलिए मैंने ये चैनल क्रिएट किया है और सोचा आप सभी दोस्तों के साथ पढ़ता रहूँगा और ऐसे ही सफ़र कटता रहेगा और कट जाएगा। तो इस छोटी सी फैमिली के हिस्सा बनिए सब्सक्राइब करके, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कर दिया करो और अपने सभी दोस्तों को भी जोड़ लो यार, अपनी छोटी सी फैमिली में सभी सदस्य रहें और सभी मिलकर पढ़ेंगे, बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए हम थोड़ी जानकारी पढ़ते हैं कि जो हमारा भारत था तो 15 अगस्त 1947 में ब्रिटिश से आज़ाद हुआ था, ये तो सभी को पता है। आज 75 वर्ष हुए हमारे भारत को आज़ाद हुए, तो 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है आज़ादी की, तो हमें बहुत ही खुशी हो रही है और उसके लिए एक गाना चलना चाहिए, ठीक है, गाना चलता रहेगा बैकग्राउंड में। हम तुमको बता रहे हैं कि जो हमारा भारत, तो भारत के बारे में थोड़ी जानकारी यही है कि हमारे भारत का राष्ट्रीय गान क्या है, राष्ट्रीय गीत क्या है, राष्ट्रीय तिरंगा किसने डिजाइन किया है, ये सब थोड़ी जानकारी हम पढ़ रहे हैं, बताते हैं। सबसे पहले राष्ट्रगान की बात करते हैं, तो राष्ट्रगान हमारे देश का राष्ट्रीय गान है जनगण मन, इसको किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसको लिखा है और इसको अपनाया था 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था राष्ट्रीय गान के रूप में, ठीक है, राष्ट्रीय गान हो गया। राष्ट्रीय गीत की बात की जाए तो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, वंदे मातरम जिसे हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी के एक ग्रंथ है आनंद मठ, वहाँ से लिया गया है, ठीक है, इसको भी 24 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। बात करते हैं हमारी आन बान शान, हमारे राष्ट्रीय ध्वज, हमारे तिरंगे की, तो तिरंगे की बात करते हैं तो तिरंगे को कब अपनाया गया था, तिरंगे को अपनाया गया 22 जुलाई 1947 को, इसको राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया, ठीक है। अब इसकी डिजाइन की बात करते हैं तो डिजाइन किसने क्रिएट किया, डिजाइन किसने बनाया था, तो हमारे पिंगली वेंकैया नायडू हैं जिसने राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन क्रिएट किया था। लंबाई चौड़ाई पूछ लेते हैं अनुपात में, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है 3:2। कलर की बात करते हैं, सबसे ऊपरी केसरिया रंग है जो सबसे प्यारा लगता है, बीच में श्वेत रंग है और नीचे है नीला रंग, ठीक है। बीच में हमारे गांधी जी के चरखे की जो चरखी है, चक्का है, उसमें 22 तीलियाँ हैं, ठीक है। ये हो गई हमारे तिरंगे के बारे में। अब पेड़, हमारे भारत का राष्ट्रीय पेड़ या वृक्ष है बरगद का पेड़, और राष्ट्रीय बाघ मतलब सॉरी राष्ट्रीय पशु बाघ है, राष्ट्रीय पक्षी मोर है, राष्ट्रीय फल की बात की जाए तो आम है ही, और राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक का चिन्ह, जिसे 22 जुलाई 1947 में राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया था,
ठीक है ये जानकारी। और जो हमारे वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी, सभी को पता है 16वें नंबर के प्रधानमंत्री जी हैं, और पहले भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, ठीक है। और राष्ट्रपति की बात की जाए तो पहले राष्ट्रपति जी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। और वर्तमान में 17वें नंबर के राष्ट्रपति जी हैं हमारे रामनाथ कोविंद जी, ठीक है। तो यही थोड़ी सी जानकारी आपको देना चाहता था, तो आप तक पहुंच गई होगी। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, और तो लाइक तो कर दिया ही होगा, और शेयर की तो बात ही नहीं करना है। और चैनल पर नए हो, फैमिली पर नए हो तो सब्सक्राइब करके फैमिली के सदस्य बनिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए, क्योंकि अपने फैमिली में हमारे सभी दोस्त रहना चाहिए, है ना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहेंगे ट्रिक के साथ और मिलते रहेंगे, ठीक है। एंजॉय करते रहेंगे और साथ ही साथ अपने लक्ष्य को पूरा करते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंजॉय करते रहिए, और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए लगातार मेहनत करते रहिए। वैसे आज तो एंजॉय करो, हमारे देश की आज़ादी के जश्न में, ठीक है। गाना तो पीछे चल ही रहा है बैकग्राउंड में, उसको थोड़ा वॉल्यूम करके आपको सुनाता हूँ, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।